नमस्कार दोस्तों, निरगुंडी का पौधा चमत्कारिक औषधीय गुणों से भरपूर होता है और इसमें कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने की क्षमता होती है। दोस्तों, निरगुंडी दो प्रकार की होती है, एक जिसमें सफ़ेद रंग के फूल होते हैं और दूसरी जिसमें नीले रंग के फूल होते हैं। दोस्तों, निरगुंडी की पहचान यह है कि एक प्रजाति में सफ़ेद रंग के फूल होते हैं और दूसरी प्रजाति में इसमें नीले रंग के फूल होते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास ये सफ़ेद रंग के पुष्पों वाला निरगुंडी है, ये देखिए इसमें सफ़ेद रंग के पुष्प हैं। इसके तने का रंग काला होता है और बीमारियों में इसके पत्ते, इसके बीज, इसके छाल और इसकी जड़ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, निरगुंडी एक बहुत ही चमत्कारिक औषधीय पौधा है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। दोस्तों, यदि किसी के मुंह में छाले हो जाए या मुंह से दुर्गंध आए तो ऐसी स्थिति में आप निरगुंडी के पत्तों को तोड़ करके इसका काढ़ा बना करके कुल्ला करें। इसके काढ़ा बनाकर कुल्ला करने मात्र से मुंह के छाले ठीक हो सकते हैं और जिन लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है उनकी मुंह से दुर्गंध आने की समस्या में उन्हें लाभ मिल सकता है। दोस्तों, जिन लोगों के शरीर में किसी प्रकार की सूजन हो तो उस स्थिति में आप निरगुंडी के पत्तों को पीस करके सूजन पर लगाएं या फिर पत्तों को सूजन पर बांधें तो बांधने से सूजन में लाभ मिलता है। शरीर में यदि किसी प्रकार का जख्म हो जाए तो उस जख्म पर निरगुंडी के पत्ते का रस लगाने से जख्म जल्दी भरता है। दोस्तों, कई लोगों को बहुत लंबे समय तक सर्दी जुकाम होता है और बार बार सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती है, तो उस स्थिति में निरगुंडी के पत्ते उनके लिए एक रामबाण औषधि साबित हो सकते हैं। दोस्तों, सर्दी जुकाम होने पर आप निरगुंडी के पत्तों का काढ़ा बना करके चाय की तरह पिए तो आपको सर्दी जुकाम की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। कई लोगों के शरीर पर छोटी छोटी गांठें हो जाती है तो उस स्थिति में आप निरगुंडी के पत्तों को उन गांठों पर यदि बांधते हैं तो आपको उन गांठों से राहत मिल सकती है। लोगों की पाचन क्रिया कमज़ोर है और वह पाचन क्रिया को मजबूत करना चाहते हैं तो उस स्थिति में यदि आप निरगुंडी के पत्तों का काढ़ा बना करके रोज़ पीते हैं तो आपकी पाचन क्रिया इससे अच्छी मजबूत हो सकती है। के सूखे पत्तों का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। निरगुंडी के सूखे पत्ते आधा चम्मच ले लें और उन्हें मिश्री के साथ मिला करके खा लें, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जोड़ों के दर्द में निरगुंडी के पत्ते बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप निरगुंडी के पत्तों का काढ़ा निरंतर पीते हैं तो आपको जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है और उन जोड़ों के जहाँ जहाँ भी आपको दर्द होता है वहाँ आप निरगुंडी के पत्तों की मालिश करें, इससे आपको दर्द में लाभ मिल सकता है। दोस्तों, साइटिका पेन होने पर साइटिका के दर्द में निरगुंडी के पत्ते बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। किसी को साइटिका पेन होता है तो आप निरगुंडी के पत्तों का काढ़ा पिए और निरगुंडी के पत्तों में सरसों का तेल मिला करके उसका तेल बनाएं और उसको साइटिका का जो दर्द होता है उस पर मालिश करें, इससे आपको लाभ मिल सकता है। जिन लोगों को एलर्जी की समस्या है तो एलर्जी की समस्या को दूर करने के लिए यदि आप निरगुंडी के पत्तों का काढ़ा बना करके पीते हैं तो आपकी एलर्जी की समस्या दूर हो सकती है। एलर्जी की समस्या को दूर करने के लिए एक रामबाण औषधि साबित हो सकती है। माताएं बहनें ऐसी है जिन्हें मासिक धर्म के समय बहुत परेशानी होती है तो उनकी ये परेशानी दूर करने के लिए यदि वह माताएं बहनें निरगुंडी के पत्तों का काढ़ा पीती है तो उनकी यह समस्या आसानी से दूर हो सकती है। कई माताएं बहनों को डिलीवरी के बाद बात रोग हो जाते हैं, उनका सिर दर्द करता है, कमर दर्द में बना रहता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो डिलीवरी के बाद जो बात रोग हो जाता है उसको दूर करने के लिए यदि वह माताएं बहनें निरगुंडी के पत्तों का काढ़ा बना करके पीती हैं तो उनका यह बात रोग ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा ये साधारण सा दिखने वाला निरगुंडी का ये पौधा, ये पेड़ अपने आप में अनेक प्रकार की औषधीय गुणों को लिए हुए है। दोस्तों, यदि आपको ये कहीं दिख जाए तो आप इसे लगाइए, आप इसकी कलम को भी लगा सकते हैं, इसकी कलम भी हो जाती है। और दोस्तों, आशा करता हूँ यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो
तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। तब अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जय जय राम, जय श्री राम।